हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ मैन्योर एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र। प्लांट रिक्वायर फूड न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच आर एब्जॉर्ब थ्रू सॉइल। द न्यूट्रिएंट्स सप्लाइंग सोर्सेस आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर which help in increasing the crop yield and to maintain the soil fertility. Nitrogen, phosphorus and potash are the three major elements required for the crop growth. पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए भोजन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो मृदा के माध्यम से अवशोषित होते हैं। पोषक तत्वों की आपूर्ति करने वाले स्रोत खाद और उर्वरक हैं। मृदा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण कारक है जो फसल की उपज बढ़ाने और मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीन प्रमुख पोषक तत्व होते हैं जो फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट आता है मैन्योर, जिसे खाद कहते हैं। डिफाइन मैन्योर। मैन्योर इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर टू मेक मैन्योर। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इज डन बाई फार्मर्स। द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिकम्पोजिशन इज ए मेटेरियल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर विच वी कॉल मैन्योर। मैन्योर डज नॉट हैव ए हाई कॉन्टेंट ऑफ न्यूट्रेंट्स। इंस्टेड इट गिव्स फर्टिलिटी टू द सॉइल बाई एडिंग ह्यूमस एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। This improve the soil physical properties with better retention of moisture and more aeration. खाद प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट मटेरियल को सड़ा गलाकर खाद तैयार किया जाता है। खाद में पोषक तत्वों की उच्च मात्रा नहीं होती है। खाद में पोषक तत्वों की कम मात्रा होती है, पर ये अधिक समय तक मृदा में इफ़ेक्ट करते हैं। इस लिस्ट में दिखाया गया है कि कौन कौन से खाद होते हैं और उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कितनी मात्रा पाई जाती है। FYM फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, नाइट सॉइल, कॉटन सीड केक, मस्टर्ड केक, बोडेस, बोन मील, कस्टर्ड केक, नीम केक, ग्राउंडनट केक, ये सभी मैन्योर हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइज़र, जिसे हिंदी में उर्वरक बोलते हैं। फर्टिलाइज़र आर नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल्स डेट वी एड टू द सॉइल टू प्रोवाइड द प्लांट्स विद द न्यूट्रेंट्स दे नीड। दे कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर। दे वर्क बाई प्रोवाइडिंग plants or crop with nutrients they need to grow to their fullest and at a faster rate than attained via a natural process. उर्वरक प्राकृतिक या सिंथेटिक सामग्री है जिन्हें हम पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए मृदा में मिलाते हैं। वह प्रकृति में कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकते हैं। वे पौधों और फसलों को पोषक तत्व प्रदान करके काम करते हैं जो उन्हें प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होने की तुलना में पूरी तरह से और तेज दर से बढ़ने की आवश्यकता होती है। मीन्स जो फर्टिलाइज़र होते हैं इन्हें इंडस्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है और में इसमें न्यूट्रेंट्स की मात्रा अधिक होती है, पर ये सॉइल में कम समय में इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। फर्स्ट है ओरिजन, प्लांट और एनिमल। फर्टिलाइज़र केमिकल सिंथेसाइज और मैन्युफैक्चर्ड। सेकेंड नेचर, मैन्योर ऑर्गेनिक इन नेचर, फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक इन नेचर। थर्ड टाइप, मैन्योर नेचुरल प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। फोर्थ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स, मैन्योर लेस कंसंट्रेटेड और एंड फर्टिलाइज़र मोर कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट इज मटेरियल सप्लाई ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइज़र सप्लाई इनऑर्गेनिक मैटर। न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी,
मैन्योर स्लोली अवेलेबल एंड फर्टिलाइजर मे और मे नॉट बी रेडली अवेलेबल. न्यूट्रेंट्स सप्लाई ऑल द प्राइमरी न्यूट्रेंट्स इंक्लूडिंग माइक्रोन्यूट्रेंट्स एंड फर्टिलाइजर सप्लाई स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रेंट्स 1, 2 और 3. माइक्रोन्यूट्रेंट्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. इफेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ इम्प्रूव फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल. फर्टिलाइजर डू नॉट इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल. इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ मैन्योर नो बैड इफेक्ट व्हेन अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटीज. फर्टिलाइजर एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट व्हेनेवर देयर इज डिफिशियंसी और एक्सेसिव एप्लीकेशन. थैंक यू.